देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांदा चित्रकूट की सभी विधानसभाओं की मतगणना के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह पटेल 59,052 मतों से आगे। खंडवा से मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को चुना अपना सांसद। भिंड चौराहा पर बीजेपी के लोगों ने लहराए झंडे, निकाली गई रैली। मऊ में बीजेपी से 1,22,018 वोटों से मैदान किया फतेह। और रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा की जीत के बाद पूरी भाजपा डूबी जश्न में। और अब रुख करते हैं खबरों की ओर। बांदा चित्रकूट लोकसभा में चित्रकूट जिले की मतगणना पूरी होने के बाद अब बांदा की मतगणना भी लगभग आखिरी पड़ाव पर है। बांदा चित्रकूट की सभी विधानसभाओं की मतगणनाओं के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी आर के सिंह पटेल 59,052 मतों से आगे चल रहे हैं। बांदा चित्रकूट लोकसभा में चित्रकूट जिले की मतगणना पूरी होने के बाद अब बांदा की मतगणना भी लगभग आखिरी पड़ाव पर है। बांदा चित्रकूट की सभी विधानसभाओं की मतगणना के मुताबिक भाजपा के प्रत्याशी आर के सिंह पटेल 52,052 मतों से आगे चल रहे हैं और कुछ ही देर में विधायक से सांसद बनेंगे आर के सिंह पटेल। और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बांदा से संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट खंडवा से मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को अपना सांसद चुना और उन्होंने अपनी वीर परिचित प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अरुण यादव को 2,72,754 मतों से पराजित कर इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। सभा सीट खंडवा से मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान को अपना सांसद चुना। उन्होंने अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अरुण यादव को 2,72,754 मतों से पराजित कर इस सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। और इतना ही नहीं, अरुण यादव के साथ तीसरी बार हुए मुकाबले में चौहान ने लगातार दूसरी बार विजयी परचम लहराकर बेस्ट ऑफ थ्री मुकाबला 2-1 से जीता। बीते मुकाबले की जीत के अंतर को चौहान इस बार पार कर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नव निर्वाचित सांसद ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण को दिया। चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, कैसा लगता है, कहाँ कैसे देखते हैं? जो जनादेश जनता का होगा हम उसको सर माथे पर रखते हैं, स्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखे भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के खिलाफ, फासिस्ट वाली ताकतों के खिलाफ। ये मोर्चा कांग्रेस का जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। क्या इतनी उम्मीद थी मोदी लहर की, तो मोदी लहर मानते हैं कुछ और? मुझे लग रहा था, थोड़ा महसूस होता था। और जहाँ तक यूज का जैन जो नया वो एड ऑन हुआ है, मैं समझता हूँ मोदी को। और जो कुछ है आपके सामने, पूरे देश भर का जनादेश स्वीकार करते हैं और हम कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना थी न्याय योजना, उसका कितना असर लगता है? जब शुरू किया ना, जब तो अच्छा ट्रेंड था गांव में, क्योंकि हमारे कस्बा भी को तो विश्वास जनता में कम। हमें लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता कि उसका प्रेजेंटेशन जनता के बीच में सही थी, शायद करने में सफल नहीं हुआ। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर इसका कुछ फर्क पड़ेगा? प्रदेश की सरकार को जनादेश जनता ने दिया, प्रदेश की जनता ने। हम अपना काम सुचारू रूप से पूरी सतर्कता के साथ मजबूती से मध्यप्रदेश में करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है, मध्यप्रदेश में ही जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं हाउस ट्रेडिंग कर उनको डिस्टर्ब करने का एक षड्यंत्र हमेशा से जारी रहा, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं। हमारा भाई सरकार मजबूत है, 5 साल मध्य प्रदेश में रहेंगे और जनता की सेवा। क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद और मेरे हजारों कार्यकर्ता जो 47 डिग्री के तापमान में भी रात दिन परिश्रम करते रहे भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए।
हमारे देश के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास, उनके प्रति आस्था, इसके बल पर, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विकास के बल पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र से ये विजय मिल रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं? देखिए, मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मेरे पार्टी पे जताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जताया है, उस विश्वास पर हम पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अरुण यादव और कांग्रेस के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जिनके कांच के घर है वो दूसरों के घर पे पत्थर फेंकते हैं तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। उनके कांच के घर जनता ने वोट के पत्थर मार के चकनाचूर कर दिए। खंडवा से मोहम्मद असलम खान के साथ संजय चौबे की रिपोर्ट, HBN न्यूज। भिंड चौराहा पर कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लहराकर कमल का फूल का झंडा दिखाकर अपना उत्साह बढ़ाया और कमल के फूल की रैली निकाली। भिंड चौराहा पर कुछ लोगों ने बीजेपी के झंडे लहराकर कमल का फूल का झंडा दिखाकर अपना उत्साह बढ़ाया और बीजेपी की रैली निकाली, जिसमें भिंड के लोगों ने 4 घंटे निकाली रैली और जिसमें बीजेपी के समर्थक अखिलेश बघेल दुल्हांगन वाले भी इस रैली में भाग लिया। भिंड से संवाददाता गंगाराम दयपुरिया की रिपोर्ट, HBN न्यूज। मऊ जिले की 70 घोसी लोकसभा सीट पर सुबह जब मतगणना का पहला चरण शुरू हुआ तो पहले चरण से ही गठबंधन प्रत्याशी अतुल रॉय सभी प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर बीजेपी से 2,419 वोटों से आगे चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। मऊ जिले के 70 घोसी लोकसभा सीट पर सुबह जब मतगणना का पहला चरण शुरू हुआ तो पहले चरण से ही गठबंधन प्रत्याशी अतुल रॉय सभी प्रत्याशियों को पीछे छोड़कर बीजेपी से 2,419 वोटों से आगे चलना शुरू कर दिया। उसके बाद आखिरी चरण तक वो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। आखिरी चरण में बीजेपी से 1,22,018 वोटों से मैदान फतह किया। बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर 11,37,931 वोट पड़े थे, जिसमें गठबंधन प्रत्याशी अतुल कुमार सिर्फ सिंह उर्फ अतुल रॉय को 57,03,829 वोट मिले। भाजपा के सांसद और प्रत्याशी हरि नारायण राजभर को 45,01,261 वोट मिले। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को महेंद्र राजभर को 29,751 वोट मिले। कांग्रेस के बालकृष्ण चौहान को 23,764 वोट मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल अंजान को 14,619 वोट मिले। इस तरह से हाथी ने सभी को कुचलते हुए 12,02,568 वोटों से सीट पर विजय का पताका फहराया। और यह जीत जो है 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र की जीत, ये समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। जो हमारे सभी कार्यकर्ता, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता, सभी लोग कहीं ना कहीं लग करके बहुत मेहनत करने का काम हमारे कार्यकर्ता किए, जिसके बदौलत यह जीत हासिल हुई है। इसलिए हम अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है 1,22,600 वोट है, विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। जो हम लोगों ने दावा किया था, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जो हम लोगों ने कहा था उसको हम लोग पूरा करें। वो परिस्थितियां जो थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने उस पर संघर्ष करने का काम किया था। जीत के बाद सपा बसपा गठबंधन समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जश्न मनाना शुरू कर दिया, साथ ही जनता को जीत की बधाई भी दी गई। रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा की जीत के बाद पूरी भाजपा जश्न में डूब गई। भाजपा की जीत को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने स्थानीय राजवाड़ा चौक पर आतिशबाजी जमकर जश्न मनाया। रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा की जीत के बाद पूरी भाजपा जश्न में डूब गई। भाजपा की जीत को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने स्थानीय राजवाड़ा चौक पर आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर जीत की खुशी बांटी। ढोल ताशों की थाप पर जीत की खुशी में नाचती महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों की जीत करार दिया। निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारे देश की जीत है ये, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है ये। और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि वो भी एक चौकीदार हैं, तो वो सच में इस भारत देश में जितने भी लोग हैं उन सबके दिलों के चौकीदार हैं। आज उन्होंने साबित किया है कि एक मोदी जी की जो लहर, एक सुनामी जिस प्रकार आई है, हम सब उसमें शामिल हैं। और हम निश्चित रूप से आज झाउवा में राजवाड़ा चौक पे हम महिला मोर्चा द्वारा इस खुशी में
फटाके फोड़ के मिठाइयां खिला के इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं। ये जो हमारे झाबुआ जिले में रतलाम लोकसभा सीट में जो गुमान सिंह जी डामोर साहब जीते हैं 1 लाख अधिक मतों से, ये पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, पूरी हमारी महिला मोर्चे की टीम की जीत है। और हर कार्यकर्ता हर घर से एक ही नारा था कि इस बार मोदी और कमल, तो कमल खिलाया है हमने झाबुआ जिले में रतलाम लोकसभा क्षेत्र में। और जहाँ विकास की बात आती है, शिक्षा स्वास्थ्य और भी अन्य विषय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जन जन के लाभ के प्रति काम करेगी। संवाददाता भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट, HBN न्यूज। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।